नमस्कार, मैं मणिभूषण। कोडर्स एलिमेंट या कोडर्स के इंट्रोडक्शन का ये तीसरा और लास्ट वीडियो है। हम कोडर्स तथा नॉन कोडर्स के इस वीडियो के अंदर कोडर्स तथा नॉन कोडर्स के हायर नॉन कोडर्स के समान लक्षण कैरेक्टर्स कॉमन टू कोडर्स एंड हायर नॉन कोडर्स मुख्य कशेरुकी और कोडर्स या कशेरुकी में क्या समानताएं होती है। सबसे पहले होती है कि समानता में बात करते हैं तो एक्शन या एक्साइजेशन। दोनों में ही शरीर का एक स्पष्ट पोलर एक्सिस होता है। अग्रसिरा शीर्ष प्रदेश तथा पश्चिरा हेड में डिफरेंशिएट या विभेदित होता है। विपरीत या पश्चिरा इसका टेल बनाते हैं। ये हायर इनवर्टिब्रेट्स और कोडिड्स के समान लक्षणों में आता है। अधिकतर नॉन कोडिड्स में ब्लास्टोपोर एंड माउथ डेवलप करता है जिसको प्रोस्टोस्टोमिया, जबकि अधिकतर कोडेट्स में एनस का निर्माण करता है। ये इसके अपोजिट्स हैं, यूटेरोस्टोमिया कहलाते हैं। दूसरा इसका समान लक्षण बात करते हैं तो दोनों के अंदर ही बाइलेटरल सिमेट्री या द्विपार्श्विक सममिति पाई जाती है। अंधेरी अग्र पश्चिम अक्ष पाए जाने के कारण सभी रज्जु के द्वारा अधिकतर उच्च रज्जु के शरीर के समान बाइलेटरल सिमेट्री होती है। मतलब एक डोर्सल एंड होता है इसका, एक वेंट्रल एंड होता है। तीसरा इसका लक्षण है जो समानता दिखाता है वो त्रिकोर की अवस्था या ट्राइप्लोब्लास्टिक कंडीशंस कहलाती है। सिलेंट्रेट के स्तर से ऊपर के अकशेरुकी तथा सभी वर्टिब्रेट्स के जंतु त्रिकोर की जंतु होते हैं। मतलब उन जंतुओं के डेवलपमेंट के दौरान विकास तीन जनन स्तरों से होता है जिनको हम बाह्यचर्म एक्टोडर्म, अंतःचर्म एक्टोडर्म तथा मध्यचर्म मेसोडर्म कहते हैं। और इन्हीं तीन चरणों से पूरे जंतुओं के विभिन्न अंगों का विकास होता है या निर्माण होता है। तो यह भी हायर इनवर्टिब्रेट्स की तरह ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं। चौथा इसकी कॉमन चीज है परगुह या सीलोम। सीलोम क्या कहलाती है? आहार नाल तथा देह भित्ति के मध्य जो अवकाश पाया जाता है उसको हम सीलोम या परगुह कहते हैं। और ये दोनों में वर्टिब्रेट्स के अंदर ही पाई जाती है और हायर इनवर्टिब्रेट्स के मध्य भी पाई जाती है। लगा गया आहार नाल तथा देह भित्ति के मध्य एक द्वितीयक देहगुह या वास्तविक सीलोम पाई जाती है। इसके चारों तरफ मध्य चर्म का स्तर पाया जाता है। सीलोम के चारों तरफ मेसोडर्मिक लेयर पाई जाती है। परंतु इन सीलोम की उत्पत्ति के मामले में थोड़ा वेरिएशंस पाई जाती है। जैसे एनालिट्स, मोलस्कंस, आर्थ्रोपोड्स तथा उच्च वर्टिब्रेट्स में यह साइजोसीलस होती है जिसका निर्माण मध्य चर्म के पट्टों के फटने से होता है, जबकि एकाइंडर्म्स, ब्रैंकियोपोड्स, ब्रैंकियोस्टेमा में यह एंटेरोसिलिक होती है। इसका निर्माण आद्यांत से एक लीनियर सीरीज में निकले खोखले बाह्य उभारों या पाउचेस के फ्यूजन के कारण इसका निर्माण होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे स्टडीज में। साइजोसिलिस और एंटेरोसिलिस टाइप की सीलोम पाई जाती है। तो ये कह रहा है कि एनालिस, मोलस्कंस, आर्थ्रोपोड्स, हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर ये साइजोसिलिस होती है, जबकि ब्रैंकियोस्टोमा, एकाइंडर्म्स एंड ब्रैंकियोपोड्स में ये साइजोसिलिस टाइप की होती है, परंतु दोनों के अंदर सीलोम उपस्थित होती है। ये पांचवा समानता है विखंडावस्था या मेटामेरिज्म। विखंडावस्था वह अवस्था होती है जिसमें शरीर एक रेखीय श्रेणी के एक समान शरीर खंडों का बना होता है। इसमें विखंड या मेटामेर्स या कायक सोमाइट्स पाए जाते हैं। मतलब इनके अंदर शरीर खंडों में बटा होता है जिनको हम सोमाइट्स या मेटामेर्स कहते हैं। विखंडावस्था तीन संघों में पाई जाती है, एनालिट्स, आर्थ्रोपोड्स तथा कॉर्डेट्स। एनालिट्स, आर्थ्रोपोड्स में यह बाहर से नजर आती है, मतलब बाहर से भी देखने में जंतु खंडों में नजर आता है, परंतु कॉर्डेट्स के अंदर ये बाह्य रूप से स्पष्ट नहीं होती, आंतरिक रूप से इनमें खंड पाए जाते हैं। इसकी छठी समानता है ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में ये अंग तंत्र नहीं पाए जाते, परंतु हायर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर ऑर्गन का विकास हो जाता है। हर स्पेसिफिक कार्य करने के लिए अंग पाए जाते हैं, जैसे रेस्पिरेशन के लिए अलग अंग पाए जाते हैं, डाइजेशन के लिए अलग अंग पाए जाते हैं, एक्सक्रीशन के लिए अलग अंग पाए जाते हैं। यही अवस्था वर्टिब्रेट्स के अंदर ही मिलती है। वर्टिब्रेट्स चूंकि उच्च विकसित प्राणियों का एक समूह है तो इसमें अंग तंत्र और अधिक विकसित और डेवलप हो गया है। इस प्रकार हायर इनवर्टिब्रेट्स तथा वर्टिब्रेट्स में ये समानता पाई जाती है कि दोनों में ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। तो यह होती है समानता की बात कि कोडेट्स और हायर इनवर्टिब्रेट्स में क्या क्या समानता पाई जाती है। हम बात करते हैं भेद,
ये दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं? मतलब इनवर्टिबेट्स इनवर्टिबेट्स में क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं? जंतु जगत को परंपरागत रूप से दो भागों में बांटा गया है, दो ग्रुप्स में बांटा गया, पहला वर्टिबेट्स या कोर्डेट्स, दूसरा इनवर्टिबेट्स या रज्जु की। सभी रज्जु की अकेले संघ से संबंधित नहीं होते, जिसमें रज्जु की संज्ञा कोर्डेट फाइला कहते हैं। ये खोखली संज्ञा हम जैसे पहले पढ़ चुके हैं, जरा विश्लेषण होती है, केशक दंड पाया जाता है। अब अगर हम इनकी बात की जाए, इनमें डिफरेंसेस क्या क्या पाए जाते हैं, तो ये इस तालिका में साफ नजर आता है। हम देखें जो तालिका बनाए गए फीचर्स, कोडेट्स में क्या पाया जाता है, नॉन कोडेट्स में क्या पाया जाता है। फीचर पहले थे सममिति या सिमिट्री, कोडेट्स में ये बाइलेटरल या द्विपार्श्व भी होती है, जबकि नॉन कोडेट्स में ये रेडियल, बाइरेडियल और एसिमेट्रिक होते हैं। विखंडावस्था कोडेट्स में यथार्थ पाई जाती है, जबकि यथार्थ के अलावा नॉन कोडेट्स में स्यूडो भी पाई जाती है। उत्पश्चेन मतलब पोस्ट एनल टेल सामान्यतः कोडेट्स में उपस्थित होती है, जबकि नॉन कोडेट्स में एबसेंट होती है। इसमें संगठन स्तर कोडेट्स में अंग तंत्र या ऑर्गन सिस्टम का पाया जाता है, जबकि नॉन कोडेट से प्रोटोप्लाज्म से लेके अंग तंत्र, मतलब वो एक कोशिकीय से लेके बहुकोशिकीय अंग तंत्र तक पाया जाता है। अगर जनन स्तर की बात की जाए तो ये तीन जनन स्तरों का बना होता है, इनको त्रिकोर की कहते हैं। नॉन कोडेट्स सामान्यतः द्विकोर की और हायर इनवर्टिबेट्स त्रिकोर की होते हैं। सीलोम उपस्थित होती है, हायर इन्वर्टिबेट्स तो उपस्थित होती है, परंतु लोअर इन्वर्टिबेट्स में या तो एब्सेंट होती है या स्यूडोसीलोम होती है। पादों की या फीट की उत्पत्ति खंडों से, अनेक खंडों से होती है, जबकि नॉन कोडेट में उसी खंड से होती है। पृष्ठरज्जु कोडेट्स में जीवन की किसी न किसी अवस्थाएं पाई जाती है, नॉन कोडेट्स में ये एब्सेंट होती है। आहार नाल की स्थिति याद रखिएगा, तंत्रिका कोडेट्स में तंत्रिका तरज्जु के वेंट्रल साइड में होती है, जबकि नॉन कोडेट्स में ये तंत्रिका रज्जु के डॉर्सल साइड में होती है। ग्रसनी क्लोम छिद्र या फेरिंजल ग्लियल स्लिट्स जीवन की किसी भी अवस्था में उपस्थित होते हैं, नॉन कोडेट्स में ये एब्सेंट होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम क्लोज प्रकार का होता है, इनवर्टिबेट्स में खुले प्रकार का होता है। रुधिर हृदय हार्ट वर्टिबेट्स के अंदर, कोडेट्स के अंदर वेंट्रल साइड में पाया जाता है, जबकि नॉन कोडेट्स में डॉर्सल या लेटरल साइड में पाया जाता है। डॉर्सल ब्लड वेसल्स में ब्लड कोडेट्स के अंदर पश्च दिशा में, मतलब आगे से पीछे की तरफ बहता है, परंतु इनवर्टिबेट्स में पीछे से आगे की तरफ बहता है, मतलब अग्र दिशा की तरफ बहता है। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम कोडेट्स में प्रेजेंट होता है, इनवर्टिबेट्स में एब्सेंट होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित होता है, परंतु इन्वर्टिबेट्स में या तो एब्सेंट होता है, होता भी है तो प्लाज्मा में भूला हुआ होता है। श्वसन क्लोम या लंग्स द्वारा होता है वर्टिबेट्स में, कोडेट्स में सॉरी, और उसमें क्लोम्स या ट्रेकिया द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र खोखला प्रकार का होता है, जबकि नॉन कोडेट्स में ठोस प्रकार का होता है। ब्रेन हेड में फेरिनिक्स के डॉर्सल साइड में होता है, परंतु फेरिनिक्स और इन्वर्टिबेट में फेरिनिक्स के ऊपर होता है या फिर एब्सेंट होता है। तंत्रिका रज्जु या नर्व कोड एक होता है, डोर्सल होता है तथा गुच्छिका रहित होता है कोडेट्स में, जबकि इन्वर्टिबेट्स में दोहरा होता है, वेंट्रल होता है तथा इसमें गुच्छिका या गैंग्लियंस पाए जाते हैं। खंडीय तंत्रिकाओं के मूल डोर्सल तथा वेंट्रल मूल पृथक पृथक होते हैं, जबकि इन्वर्टिब्रेट्स में पृथक पृथक नहीं होते। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो कोडेट्स में रिप्रोडक्शन लैंगिक प्रजनन प्रबल होता है, डोमिनेंट होता है, मतलब नॉर्मली लैंगिक प्रजनन ही होता है, जबकि इन्वर्टिब्रेट्स में यह अलैंगिक प्रजनन, खासतौर पर लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में अलैंगिक प्रजनन ज्यादा होता है। रीजनरेशन की शक्ति कोडेट्स में बहुत कम पाई जाती है, जबकि नॉन कोडेट्स में बहुत अच्छी पाई जाती है। शरीर का तापमान कंट्रोल करने की क्षमता कोडेट्स में, बर्ड्स में और मेमल्स में होती है, परंतु बाकी कोडेट्स में नहीं होती है, परंतु नॉन कोडेट्स में किसी में भी शरीर का तापमान कंट्रोल करने की क्षमता नहीं होती। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो कोडेट्स और नॉन कोडेट्स के मध्य पाए। अब हम बात करते हैं कि क्यों कोडेट फाइलम अदर फाइलम से श्रेष्ठ है या बेस्ट है। इसके अंदर कुछ लक्षण है, जैसे सबसे पहले कोडेट्स के अंदर जीवित अंतः कंकाल पाया जाता है या लिविंग एंडोस्केलेटन पाया जाता है। जीवित अंतः कंकाल से मतलब एक तो कोडेट्स के अंदर जो कंकाल वो शरीर के अंदर पाया जाता है, जैसे इनवर्टिबेट्स में शरीर के बाहर पाया जाता है, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स की बात किया जाते हैं, शरीर के बाहर स्केलेटिन की परत पाई जाती है, मतलब वो शरीर के बाहर पाया जाता है। जबकि अगर हम बात करें कोडेट्स की तो शरीर के एक तो अंदर होता है, जीवित होता है। जीवित से मतलब शरीर का आकार बढ़ने के साथ साथ कंकाल का आकार भी बढ़ता जाता है, जैसे बच्चे के अंदर
जब कंकाल पाया जाता है तो वो छोटा होता है, जैसे बच्चे का आकार धीरे 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 बढ़ता जाता है, वह कंकाल का आकार भी, उसका एंडोस्केल्टन का आकार भी उसके साथ साथ बढ़ता जाता है, इसलिए उसके अंदर जीवित अंतर्कंकाल पाया जाता है। ये सबसे पहला लक्षण है जो कोटेट की श्रेष्ठता अन्य फाइलों को दिखाती है। दूसरा इसका लक्षण है कार्यक्षम श्वसन या एफिशियंट रेस्पिरेशन। जलीय रज्जुकियों में क्लोम तथा स्थलीय में लंग्स पाए जाते हैं, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें तो क्लोम्स पाए जाते हैं, और जबकि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके अंदर लंग्स या फेफड़े पाए जाते हैं, और यह श्वसन का अधिक से अधिक दक्षता से उपयोग करते हैं ऑक्सीजन का, वायु का, ताकि शरीर को अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिल सके। इसी कारण से इनका आकार भी बड़ा होता है, इनका एफिशिएंट रेस्पिरेशन सिस्टम बढ़ने के कारण उनकी बॉडी को अधिक ऑक्सीजन प्राप्त होती है, अधिक ऑक्सीजन प्राप्त होने के कारण उनके शरीर को अधिक ऊर्जा मिलती है, अधिक ऊर्जा मिलने के कारण इनका आकार भी बड़ा होता है। तो यह दूसरा लक्षण है जो कोर्डेट्स की श्रेष्ठता नॉन कोर्डेट्स पे शो है। तीसरा होता है कार्यक्षम परिसंचरण तंत्र, एफिशिएंट सर्कुलेशन सिस्टम। कोर्डेट्स का सर्कुलेशन सिस्टम अन्य फाइलम की बजाय बहुत अच्छा होता है, इसके कारण क्योंकि उसमें आरबीसी का पाया जाना, हीमोग्लोबिन का पाया जाना, जिसके कारण ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इस परिसंचरण तंत्र की बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन को हर एक कोशिका तक बड़ी आसानी से पहुंचाया जाता है। इसके अलावा फूड का डिस्ट्रीब्यूशन, जो पाचन पचित भोजन को भी शरीर के भिन्न अंगों में पूरी तरह और अच्छी तरीके से पहुंचाया जाता है, जिसके कारण उस शरीर का विकास अति होता है, क्योंकि उसको अधिक ऊर्जा मिलती है। तो एफिशिएंट सर्कुलेशन होना ये तीसरा लक्षण है जो इनकी श्रेष्ठता दिखाता है। चौथा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पाया जाना भी एक एडवांस कैरेक्टर है। इन्वर्टिबेट्स में तंत्रिका तंत्र के केंद्रीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति मिलती है, परंतु वर्टिबेट्स के अंदर ये कॉम्प्लेक्स लेवल तक पहुंच जाती है। उसी के अनुरूप संवेदी तंत्र भी रूपांतरित हो जाता है, तंत्रिका तंत्र डेवलप होता है तो उसका सेंसरी सिस्टम भी अधिक ही डेवलप्ड होता है, जिसके कारण से उसकी सेंस शक्ति, उसकी संवेदी शक्ति और उस एक हाईएस्ट पीक पे पहुंचती है, जिसके कारण वातावरण के प्रति अधिक अनुक्रिया कर पाता है और वातावरण के प्रति अधिक अनुकूलन शो कर पाता है, जिसके कारण से उस वातावरण में रहने के लिए अधिक अडोप्ट हो जाता है और सफलतापूर्वक जीवन जीता है। यह एक रीजन है कि यह एक रीजन है कि जो कशेरुकी होते हैं या कोर्डेट्स होते हैं पृथ्वी के किसी भी एनवायरमेंट में कहीं भी पाए जाते हैं। तो ये चार ऐसे लक्षण हैं जो शो करते हैं कि कोर्डेट्स अदर फाइलम से अधिक एडवांस और अधिक सक्षम है। यहाँ पे हमारा कोर्डेट्स का एलिमेंट्री टॉपिक खत्म होता है। ये इसमें कोर्डेट्स के बारे में, कोर्डेट्स फाइलम के बारे में सभी बेसिक जानकारियां दी गई है। धन्यवाद।